तो आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट। डेट हम बताएंगे कि डेट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। उससे पहले हम डेट को लिखना सीखेंगे कि एक्सेल में डेट कैसे लिखते हैं। देखिए, सिस्टम की दो फॉर्मेट कॉमन है, एक है MMDDYY, राइट। MMDDYY मतलब ये है कि लिखने का तरीका, जैसे मान लीजिए कि मेरा सिस्टम है DDMMYY, मतलब मैं पहले डेट लिखूंगा, आज का मैं यहाँ पे 31 तारीख लिखा और फिर यहाँ पे टेंथ दूंगा और फिर यहाँ पे ईयर दूंगा, तो डेट बन जाएगा। लेकिन एक इंडिया फॉर्मेट है क्योंकि मैंने रीजन में इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन अगर आपका सिस्टम में रीजन में यूएस सेलेक्ट कर रखा है तो आपको लिखना होगा 10 या डैश कर दीजिए 16 और यहाँ पे 31। लेकिन मेरा ये देखिए डेट फॉर्मेट नहीं ले रहा है, राइट सर, समझ में आया कि नहीं सर? अब बोलेगा सर रीजनल सेटिंग कैसे होता है? हाँ हेलो, अब बोलेंगे कि रीजनल सेटिंग कैसे होता है, क्या मतलब कि क्योंकि मेरा जो है मेरा जो सिस्टम का जो 31 है वो डेट हो गया और आपके सिस्टम पे जाएगा तो ये मंथ बन जाएगा। तो रीजनल सेटिंग आपके कंट्रोल पैनल में होता है, चलो भी बता देता हूँ आपको मैं। कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल में हम जा रहे हैं रीजन, रीजन में आएंगे। ये देखिए ये आपका डेट का फॉर्मेट है और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग है, यहाँ पे आपको टाइम जोन दिखेगा। कहाँ गया इसमें? कस्टमाइज फॉर्मेट है, यहाँ पे DDM है, ये डिजिटल सेटिंग इसमें तो है। यही पे होता है, पता नहीं क्या हुआ, विंडो 10 में चेंज हो गया। लैंग्वेज डिफरेंसेस प्रेफरेंसेस, हाँ ये यूनाइटेड स्टेट हो गया, इसी में इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, इसमें आपका डेट एंड टाइम टाइम जोन आता है, इसमें रहा दिख रहा है, और इसी में आपका सेटिंग होता है रीजनल फॉर्मेटिंग, दिख रहा है ना, कंट्री रीजन इंडिया है, तो इंडिया है इसलिए MMDDMMYY है। अगर ये यूएस होता तो MMDDYY होता है, राइट सर। तो इसमें पंगा क्या है बताता हूँ आपको, इससे मैं कि प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली इसका प्रॉब्लम होता है जब हम डेट किसी को भेजते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको फाइल मेल किया, आप मान लीजिए मैं अपने सिस्टम में रखा 1, ये आपका दिख रहा है आपको 1 जनवरी 12 जनवरी सॉरी 12 जनवरी रखा, क्योंकि मेरे सिस्टम पे 12 जो है वो क्या है डेट है, 1 क्या है मंथ है। लेकिन जैसे आपका सेटिंग में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आपका सिस्टम हो जाएगा ये 1 दिसंबर हो जाएगा, स्वेप हो जाएगा डेट मंथ में मंथ डेट। ठीक है सर, प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं सर? हेलो, आया सर, आया, आ गया। तो यहाँ पे दिक्कत होती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डेट लिखने की बात कर दिए,
तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, पहला है टुडे, टुडे मतलब कि करेंट सिस्टम डेट देता है, और दूसरा है हमारा नाउ जो कि डेट और टाइम देता है। दो फॉर्मूले जो कि सिस्टम डेट से अटैच्ड होते हैं वो चलता है। और दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि अभी आप मैंने आपको समझाया कि अगर मेरा डेट अगर किसी को भेजता हूं तो चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आवर का, जो कि इसमें से आवर को अलग करता है इन द नंबर, आवर नहीं सॉरी गलत बोल दिया, इसमें होता है मंथ। मंथ क्या करता है, इसमें से मंथ को अलग करता है। और दूसरा होता है हमारा ईयर, जो कि ईयर को अलग करता है। और तीसरा होता है डेट, डे जो कि डे को अलग करता है। तो इन्होंने तीनों को अलग कर दिया। इसने 10 मतलब महीना ले लिया, ये आपका ईयर ले लिया, ये आपका डे ले लिया। अब इसको वापस कंबाइन करना है तो हम डेट लगाएंगे, डेट इसमें से ईयर को उठाएंगे, इसमें से डे को उठाएंगे, और इसमें से हम डे ला दो, ईयर उठा लिया हमने, अब उठाएंगे मंथ। और इसमें उठाएंगे हम डे, डेट बन गया। मतलब कि अगर किसी को डेट भेजना है और आपको ऐसा लगता है कि उसके सिस्टम में जाने के बाद डेट मेरा चेंज हो जाता है क्योंकि उसका फॉर्मेट अलग है, मेरा फॉर्मेट अलग है, तो हम क्या करेंगे, डेट फॉर्मूले के अंदर लिख देंगे 2019, मंथ में डाल दिया 10 और यहां 31। अब चाहे डेट का इसका फॉर्मेट चाहे जो भी हो, इसका फॉर्मेट चाहे जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो हर जगह पे 31 अक्टूबर ही दिखेगा। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ इसी सिस्टम को आप अपनाएंगे। सॉरी, तो अगर मान लीजिए अभी आ गई, अब मैं आज का डेट यहाँ लिखता हूँ, आज का करेंट डेट लिखने के लिए कंट्रोल सेमी कॉलन कर दीजिए, तो करेंट सिस्टम डेट आप यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर्मूला कि मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मान लीजिए 20 दिन, मैं जानना चाहता हूँ कि आज के डेट से 20 दिन बाद कौन सा डेट पड़ेगा। आप इसमें प्लस ये कर दे 20 कर दे, जस्ट आपको डेट में 20 को प्लस कर देना है, सिंपल। तो ये आपका 20/11 दिखा दिया, ठीक है। सिंपल ऐड कर दीजिए क्योंकि सिस्टम में एक दिन 1 = 1 day होता है इसलिए। लेकिन मुझे इसी सिस्टम में मान लीजिए 3 महीना ऐड करना है। दीपेंद्र भंडारी जी, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, लेट हो गया थोड़ा सा, मैं 5 मिनट पढ़ा चुका हूँ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ डेट एंड टाइम की, जिस कैलकुलेशन स्कूल में मथा पच्ची करते थे ना, वही कैलकुलेशन जा रहा है, एक्सेल में कैसे करेंगे। तो मैंने बताया हमारे पास दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है स्टार्ट टुडे का, अगर आप इक्वल टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं तो करेंट सिस्टम डेट आपको देता है, और अगर आप नाउ फॉर्मूला लगाते हैं नाउ कि आपका करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। उसके बाद हमारे पास 3 फॉर्मूला है, किसी डेट में से कुछ चीज अलग करना है, जैसे मुझे इसमें से महीना अलग करना है, दिन अलग, ईयर अलग करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है मंथ। देखिए मंथ हमने मंथ हमने डेट को सिलेक्ट कर लिया, तो ये आ गया, इसमें से मंथ 10 अलग कर दिया,
फिर मैंने ईयर, इसमें से ईयर को अलग कर दिया तो यहाँ पे ईयर आ गया, और फिर इसमें से हमने डे को अलग कर दिया इसमें से हमारा डे आ गया, और फिर इन तीनों को कंबाइन करने के लिए हमने डेट का फॉर्मूला लगाया, तो तीन अलग अलग कंबाइन होकर एक डेट बन गया। मतलब कि आपके पास अगर एक डेट है और उसको आप अलग अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास तीन फॉर्मूला है, डे डे मंथ और ईयर, और कंबाइन करने के लिए डेट का फॉर्मूला। फिर अगर आप किसी दिन में जैसे एक डाला हुआ है और 20 दिन ऐड करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है कि सिंपल आप उसमें प्लस कर दे। अब अगला बात आता है कि मैं दिन नहीं मैं महीना ऐड करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कितने दिन बाद हमारा कितने महीना बाद कौन सा डेट आएगा, तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है ई डेट का। ई डेट हमने इसको सेलेक्ट किया और महीना इसको सेलेक्ट कर लिया और ये नंबर आया तो इस पे आप डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट हैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 महीने बाद 31 जनवरी 2020 आएगा, 3 महीने बाद ही तो नया साल हो जाएगा, ऐसा टाइम निकल गया पता ही नहीं चल रहा है। इसका ये भी होता है जैसे मान लीजिए कि मेरी एक कल ईएमआई, कल एक मान लीजिए मैंने लैपटॉप लिया है, ईएमआई है मेरा 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को, तो आप इसमें हर महीने की 5 अक्टूबर की डेट चाहते हैं तो इसमें आप ई डेट का फॉर्मूला लगा दें, इसको सेलेक्ट करें और 1 दे दें, इस पे हम चेंज कर देते हैं फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट हैश और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, तो हर महीने का डेट फिक्स है और ईयर हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। ई डेट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब ई डेट से आगे बढ़ते हैं कि मैंने आज का डेट कंट्रोल से कंट्रोल सेमी कोलन से डाला हुआ है। आज की डेट में मान लीजिए मुझे 2 साल 4 महीने और 22 दिन जोड़ना, तो उसके लिए हम जो ऊपर वाली मेथड आपको मैंने बताया था इसी मेथड का इस्तेमाल करें। क्या करेंगे चलिए बताता हूं। तो इसके लिए हम डेट का फॉर्मूला लगाएंगे और ईयर, इसमें से ईयर को अलग करेंगे, फिर इस ईयर में प्लस 2 कर दे, मतलब इसमें से जैसे यहाँ 2019 अलग किया है इसमें से 2019 को अलग करेगा और प्लस 2 कर देगा, ईयर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे मंथ का फॉर्मूला लगाता हूँ और इसमें से मंथ को अलग करेगा और इसमें से मंथ अलग होगा और प्लस 4 हो जाएगा। फिर इसमें से हमने अलग किया डे को और इसमें से डे को अलग किए और इसमें प्लस हो जाएगा 22। तो हमने एक डेट में तो इसमें से आपने देखा कि मैंने डेट में से पहले तीनों को अलग किया फिर इसमें हमने प्लस कर दिया, हमारा डेट आ गया। तो रजनीकांत जी, विकास जी एंड उपेंद्र जी, समझ में आया? Yes, sir. Mm-hmm. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया एडिशन, हमने डेट में डेट ऐड करना, मंथ ऐड करना, डेट अंत ईयर ऐड करना सीख लिया। आप घटाने की बात करते हैं तो आप माइनस भी कर सकते हैं कि 20 दिन पहले क्या होगा, माइनस हमने 20 कर दिया, महीना, ठीक है, माइनस कर देंगे तो घट जाएगा। लेकिन बिटवीन टू डेट्स में चाहिए, जैसे 1 जनवरी से लेके आज तक में कितने दिन हुए घटाना है, तो आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट सेलेक्ट कर लें तो ये हट जाएगा, दिख जाएगा आपको।
और या फिर डेज का फॉर्मूला लें, उसमें आप लेटेस्ट डेट एंड डेट और स्टार्ट डेट डाल दें तो आपको मिल जाएगा। तो आप मैथमेटिकल सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं आप। उसके बाद इसमें ये आ गया, अब इससे आगे बढ़ते हैं कि मुझे दो डेट के बीच में जो देना है वो मुझे देना है डेज 365, मतलब मैं डिफरेंस तो चाहिए लेकिन साल को 165 दिन नहीं 160 दिन लेना है। जो फाइनेंशियल ईयर की जो कैलकुलेशन होती है वो डे 360 पे होती है। तो स्टार्ट डेट फिर एंड डेट, लेकिन मुझे चाहिए सैटरडे एंड संडे को छोड़ के, मतलब कि दो डेट के बीच में हमारा एग्जैक्ट नेटवर्क डे, मेरा ऑफिस कितना दिन ओपन था। तो मेरे पास कुछ छुट्टी के लिस्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज हमने स्टार्ट डेट एंड डेट सेलेक्ट कर लिया, और कोई होलीडे लिस्ट जैसे डेट का लिस्ट है कि हाँ ये इस दिन छुट्टी थी, जो भी लिस्ट है, जरूरी नहीं कि इन दोनों डेट के बीच का हो। आप पूरा साल का छुट्टी लिस्ट सेलेक्ट कर ले, जो इसके बीच में आएगा उसको इग्नोर कर देगा, सैटरडे एंड संडे को इग्नोर करके बता देगा कि मेरी कंपनी 218 दिन ओपन थी इस साल। लेकिन इसमें मान लीजिए मेरी मेरी छुट्टी जो सैटरडे नहीं होती, जैसे गल्फ में फ्राइडे सैटरडे होती है, इंडिया में से संडे मोस्टली कॉपी संडे होता है, तो उस केस में हम यहाँ पे networkdays.indl स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और इसमें आप दे दीजिए कि आपका छुट्टी किस दिन होती है, जैसे संडे छुट्टी उसका नंबर दे दिया, और उसके बाद संडे के अलावा कोई छुट्टी है उसका लिस्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर ले। नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल समझ में आ गया, किसी को डाउट? नो डाउट। ओके, अब मान लीजिए कि मैं आज एक बैंक को बोला कि एक कस्टमर एक सर एक रिक्वेस्ट दिया, बैंक बोला कि 15 वर्किंग डेज बाद आपकी रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी, तो उस केस में मैं यहां पे लूंगा वर्क डे ठीक है, इसमें भी छुट्टी का दिल दे देते, इसमें तो सैटरडे संडे इग्नोर करेगा ही करेगा, साथ में यहाँ पे आप अपना छुट्टी वाला लिस्ट भी दे सकते हैं कि भाई इस दिन छुट्टी थी। समझ में आया सर? सर लेकिन हो सकता है कि सैटरडे संडे छुट्टी ना हो, तो यहाँ पे आपका एक वर्क डे डॉट आई एन टी एल है, इसमें हम स्टार्ट डेट एम और इसमें होलीडे लिस्ट हम यहाँ पे देते हैं, जैसे संडे है तो संडे का सिलेक्ट कर लिया, उसके अलावा अपना वीकेंड सॉरी जो भी होली डे है आपका वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर है सर? सर अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि कोई डेट डाला हुआ, जैसे ये डेट डाला हुआ है, तो मैं जानना है हमें कि इस दिन कौन कौन से दिन क्या था। तो हमारे पास एक तो होता है टेक्स्ट का फॉर्मूला, इसको सेलेक्ट कीजिए
और यहाँ पे इन बार डी 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 कर दीजिए तो ये आपका इन द ट्रैक्टर में आ जाएगा कि क्या दिन था। लेकिन मुझे दिन चाहिए नंबर्स में, पहला दूसरा वीक का पहला दिन दूसरा दिन, तो उसके लिए हमारे पास वीक डे का फॉर्म। अब वीक कब से स्टार्ट, जैसे बताया था कि किसी के अगर फ्राइडे सैटरडे है तो संडे से वीक स्टार्ट होगा, किसी का सैटरडे संडे है तो मंडे से स्टार्ट होगा। तो किस दिन वीक स्टार्ट हुआ उसका दिन का नंबर सेलेक्ट कर ले, एंटर मारे, ये आपका वीक इन द नंबर्स में आ गया। अब इसमें मुझे आगे चाहिए कि मुझे साल का कौन सा वीक है पता करना है, तो यहाँ पे वीक नाम दिखेगा, वीक नाम हम इसको सेलेक्ट करें और नीचे की तरफ आप ड्रैग करें, ये आपके वीक नंबर्स मिल रहे हैं। हेलो सर, सॉरी सर नेटवर्क चला गया था। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि हमारे पास एक फॉर्मूला है वीक का, वीक डे का, जो कि महीने दिन का कौन सा वीक है, कौन ये डेट कौन सा वीक है वो बताता है नंबर में। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है वीक नंबर का। तो वीक नंबर क्या करता है कि बताता है कि ये साल का कौन सा वीक है। सर ये 5 अक्टूबर 6 दिन क्यों बता रहा है? सर सैटरडे है ना। ओके ओके ठीक है। तो किसी को किस डाउट है किसी तरह का? दीपेंद्र जी, दीपेंद्र जी, रजनीकांत जी, विकास जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं सर। सर मैं चाहता हूँ कि जैसे 40 आ रहा है वीक नंबर, ये जैसे अक्टूबर स्टार्ट है तो फर्स्ट वीक है या सेकंड वीक है वो आ जाए तो उस मंथ का। उसके ये देखिए, उसके लिए दो चीज है। अगर आप सैटरडे संडे के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो फिर उसके लिए फॉर्मूला नहीं है। आप 3 से 7 तारीख है तो पहला वीक होगा, 8 से 2 वीक होगा, तो उसके लिए उपाय है सर। क्योंकि हर महीने मुझे करना पड़ता है। तो क्या करना चाहता है? मैंने मंडे टू मंडे होता है, जैसे महीना स्टार्ट हुआ, जैसे 1 तारीख स्टार्ट हुई तो वो महीने का पहला वीक काउंट हो जाए 1 से 6-7 तक, फिर 8 से स्टार्ट हुआ तो दूसरा वीक। तो उसमें उसमें कौन सी बात है? आप इस महीने यहाँ पे लगाइए डी का फॉर्मूला, ठीक है ना? डी आ गया 5, ठीक है ना? ठीक है। तो इसमें आप डिवाइड कर दे इसको 7 से, और इसको आप कर दे राउंड अप। ठीक है, ठीक है सर। जा मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 तारीख, अभी कहा गया मैं डालता हूँ इसे मान लीजिए 16 तारीख, तीसरा। और कोई डाउट है? ठीक है सर, ठीक। नहीं नहीं ठीक है सर। ठीक है, तो मिलते हैं कल। कल हम बात करेंगे टाइम की कैलकुलेशन पे। ओके।